नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ चेस में मैं वेद प्रकाश सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज चेस ट्रेनिंग में हम लोग नाइट फॉर्क को समझेंगे। नाइट फॉर्क क्या होता है? नाइट फॉर्क में नाइट जब एक से ज़्यादा पीसेस को एक साथ अटैक लगाता है उसे हम फॉर्क बोलते हैं। मतलब नाइट ने अगर एक साथ दो पीसेस पे अटैक लगाया तो ये कह सकते हैं कि नाइट अटैक ऑन टू पीसेज, नाइट फॉर्क ऑन टू पीसेज। अगर वो तीन पीस पे अटैक लगाएगा तो तीन पीस पे फॉक लगाया, चार पे लगाया तो उसने चार पीस पे फॉक लगाया। तो इस तरीके से आपके सामने जो पोजीशन है उसमें नाइट टोटली एट पीसेस के ऊपर फॉक लगा रहे हैं। ओके, जब आप एक पीस पे अटैक लगाओ या फिर एक से ज़्यादा पीसेस पे अटैक लगाओ, दैट्स कॉल्ड फॉक। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि नाइट फॉक्स कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम लोग अपने टूर्नामेंट में अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में कैसे नाइट फॉग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपोनेंट के ऊपर में जीत दर्ज कर सकते हैं। चलिए, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको नाइट फॉग सॉल्व करना है। वाइट की मूव है, वाइट अपने नाइट का पॉसिबल स्क्वायर ऐसा देखेगा जहाँ से वो टू पीसेस पे अटैक लगा सके। तो हम लोग इजी वे में पहले समझते हैं, अगर नाइट यहाँ रहेगा C7 पे तो दो पीसेस पे अटैक लगाएगा, बट एक उससे छोटा वैल्यू का पीस है और वो ऑलरेडी डिफेंडेंट है। सो ये नाइट फॉग पॉसिबल नहीं है। नाइट B6 से फॉग नहीं लगेगा, C7 से नहीं लगेगा, B4 से नहीं लगेगा, C3 से नहीं लगेगा, E3 से नहीं लगेगा। अगर नाइट F4 पे जाएगा तो सिंगल एक पीस पे अटैक लगाएगा और वो पीस ईजी वे में मूव आउट कर सकता है। सो नाइट F4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हमारा एक मूव बचा है नाइट E7। ओके, तो नाइट E7 जैसे ही हम लोग चलते हैं तो हमें दिखेगा कि नाइट, किंग और क्वीन दो पीसेस पे अटैक लगा रहा है। दोनों पीसेस किंग नाइट से ऊपर हैं, नाइट से हायर वैल्यू के हैं, बट देर इज अ प्रॉब्लम। ये स्क्वायर E7 स्क्वायर C6 वाले नाइट से प्रोटेक्टेड है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारा टारगेट है नाइट E7, बट नाइट C6 इज अ डिफेंडर। सो व्हाई नॉट वी टेक दिस नाइट, इफ टेक दिस, अगर पाउन से मारते हैं तो नाइट C7, अब नाइट से क्वीन पे अटैक लग गया। ओके, अगर क्वीन से उसने मारा, अगेन नाइट E7 और नाइट G8 एंड नाइट C6, दैट्स कॉल्ड फॉक। तो आप समझ रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड पोजिशन पर चलते हैं। ओके, इस वाले पोजीशन में आप पहले देखो, किसी भी पोजीशन को आप एनालाइज करो क्या है। जब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं पोजीशन तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। क्वीन से किंग इनडायरेक्ट अटैक पे है, नाइट से F3 पॉन कट रहा है, बट वो काट नहीं सकता है, पिन है, वो रुक से काट लेगा। ओके, नाइट से अगर हम F3 पे जाएंगे तो G1 एंड D2 एक फॉक इज पॉसिबल, बट रुक इज डिफेंडर। जब रुक डिफेंडर है तो हमें अब इस डिफेंडर को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो अगर हमने नाइट इनटू रुक इनटू C1 टेक किया, उसने रुक इनटू C1 टेक किया, नाउ वी कैन टेक नाइट F3 एंड नाइट ने फॉक लगा दिया नाइट पे, नाइट ने किंग पे और क्वीन पे। ओके, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। रुक इनटू C1, इफ क्वीन इनटू C1, देन मेट इन वन क्वीन G2, सरप्राइजिंग। ओके, रुक C1, देन नाइट F3 और क्वीन गॉन। जैसे ही नाइट ने फॉक लगाया दो पीसेस पे तो अब कोई ना कोई एक पीस बचेगा, दूसरा पीस कटेगा। चलो दूसरा पोजीशन को देखते हैं। ओके, इस पोजीशन को फिर से हम लोग एनालाइज करें। एक फॉक आ रहा है नाइट C7, बट देयर इज अ डिफेंडर A6। तो अगर हमने बिशप A6 मार दिया, उसने टैक्स किया, हम लोग नाइट C7 मार सकते हैं और देर आर मल्टीपल अटैक्स। मतलब ये कि बिशप A6 पे क्वीन A6 भी नहीं मार सकता क्योंकि नाइट C7 आएगा और क्वीन पे अटैक आ जाएगा। सो
ट्राई करते हैं बिशप ए सिक्स। अगर उसने नहीं मारा तो उसका एक पीस सिंपली कट हो गया और वो माइनस हो जाएगा। अगर उसने पाउन से मारा तो नाइट सी सेवन और रुक कट जाएगा। अगर क्वीन इनटू ए सिक्स मारता है तो नाइट सी सेवन और इसने एक साथ तीन पीसेस के ऊपर फॉक लगाया। चलो ठीक है, नाउ दिस वन, एनालाइज करते हैं पोजीशन को। इस पोजीशन में आप नाइट फॉक कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे ब्लैक की मूव है और ब्लैक के तरफ से नाइट फॉक लगाना है। हमारा नाइट यहाँ जाएगा एस थ्री, तो कोई भी फॉक नहीं लगा पाएगा। अगर हमारा नाइट ई टू आएगा तो देर आर टू ऑप्शंस। ओके, तो एक हमें दिख रहा है कि रुक सी वन अगर आते हैं, क्वीन सी वन मारेगा तो नाइट ई टू से हम लोग दो पीसेस के ऊपर में इमीडिएटली फॉक लगा सकते हैं। तो क्या रुक सी वन पे क्वीन सी वन मारना फोर्स होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेट है, एक बैक रैंक मेट है। बैक रैंक मेट जब होता है ना तो आपके पास में किंग के पास चलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो बैक रैंक मेट पॉसिबल हुआ नाइट की वजह से, बिकॉज नाइट होल्ड्स दिस टू स्क्वायर्स, और ये जो दो स्क्वायर है F2 एंड H2 ये खुद के पाउंड से ही वो ब्लॉक्ड है, और वाइट या ब्लैक अपने पीसेस को नहीं मार सकता। जब ये बैक रैंक मेट है और एक पॉसिबल फॉक आ रहा है तो हम लोग रुक C1 प्लान कर सकते हैं। नाइट C1 देन नाइट E2 किंग मूव देन नाइट कट क्वीन। नाइट फॉक को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये कभी भी आ सकता है, किसी भी पीस के सपोर्ट से आ सकता है और किसी भी पीस के सक्रिफाइस से आ सकता है। चलो यहाँ पे वाइट की मूव है और वाइट के तरफ से एक नाइट फॉक लगाना है। कैसे आप लगा पाओगे आप सोचो। तो फिर से एनालाइज करते हैं। दो पीसेज थ्री स्क्वायर्स के डिफरेंस पे है, तो यहाँ पे एक फॉक लग सकता है। नाइट सी सेवन से दोनों पीस पे अटैक लगेगा और सी सेवन किसी भी पीस से प्रोटेक्टेड नहीं है, सो वी कैन ईजिली टेक नाइट इनटू सी सेवन और ये फॉक हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगेन वाइट की मूव है और वाइट से फॉक लगाना है। अगेन एक बार एनालाइज मोड में चलते हैं। देयर आर डिफरेंस ऑफ थ्री स्क्वायर्स बिटवीन टू पीसेज, सो देयर इज ए फॉक। नाइट F3 और टू पीसेस पे अटैक लग गया। ओके, अगेन अनदर पीस पोजिशन। आप यहाँ पे देख रहे हो नाइट F7 पे जा सकते हैं ड्यू टू बिशप इज ऑन B3। जब B3 बिशप प्रोटेक्टेड है F7 को काट सकता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बिशप इनटू F7 एंड नाइट इनटू F7। दोनों कंडीशन में हम लोग एक पॉन तो जरूर गेन कर लेंगे, बट बिशप इनटू F7 में हमें सिर्फ एक पॉन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर हमें पता है नाइट फॉक तो हम नाइट से मारेंगे, हमें एक पॉन तो ज़रूर मिलेगा, साथ ही साथ हमें एक रुक या एक क्वीन दोनों में से कोई एक मिल सकता है। इस पोजीशन को देखते हैं, इस वाले में आप ढूंढ पाओगे कि फॉक कहाँ पे है। एक बहुत आसान टेक्निक है फॉक ढूंढने का कि आप दो पीसेस के बीच का डिफरेंस देखो। दो मेजर पीस हैं जो हमारे नाइट से बड़े हैं, उनके बीच में तीन पीस का डिफरेंस है, तीन स्क्वायर का डिफरेंस है। इस स्क्वायर के जस्ट आगे का स्क्वायर जो होगा वो फॉक पॉइंट होगा। नाइट अगर F7 पे जाएगा तो वो दोनों पीसेस पे अटैक लगा सकता है। नाइट अगर C6 पे जाएगा तो भी वो दोनों पीसेस पे अटैक लगा सकता है, बट C6 इज प्रोटेक्टेड विद B7 पाउन और F7 इज प्रोटेक्टेड विद आवर रुक। इस तरीके से जब आप देखोगे तो कई सारे फॉक्स आपको बोर्ड पे नज़र आएंगे। अब बोर्ड पे आपको फॉक्स आइडेंटिफाई करना है। रुक F7 इज ऑल्सो पॉसिबल,
बट देर आर अ मिस्टेक, बट इफ नाइट एफ सेवन, अब ये ब्लैक के लिए ख़त्म हो गया पोजीशन, ब्लैक यहाँ पे सीधे सीधे रिजाइन करेगा क्योंकि नाइट ने फॉक लगाया टू पीसेस पे, दोनों पीस उससे बड़े हैं और वो इमिडिएटली कट रहे हैं। इस तरीके से हम नाइट फॉक्स के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो।